हेलो गाइस, मैं अभी स्वीडन की एक ट्रेन में बैठा हूँ। बहुत अच्छी ट्रेन है ये, और किराया भी मुझे लग रहा है कि इसका $120 के आसपास है। मुझे यहाँ से लगभग 1200-1300 किलोमीटर जाना है, और ये कह रहे हैं कि 3-4 घंटे में ये ट्रेन सफ़र तय कर देगी। ये देखिए कितनी अच्छी है अंदर से। यहाँ से इंटरनेट भी सब चल रहा है, और ये देखिए लोग कैसे बैठे हैं आराम से। कमाल का सीन है ये, कमाल की एक जर्नी है ये, इट्स अमेजिंग। मैं थोड़ा सा घुमाता हूँ, इधर घुमाता हूँ। ये देखिए मूवी चल रही है, ये लीजिए मैं पहुंच गया हूं अपनी जगह पर स्वीडन के गोटनबर्ग शहर के अंदर। और ये देखिए आप ही जस्ट मैं उतरा हूं, क्या खूबसूरत शहर है, और बहुत मज़े वाला सीन है इस समय। ये देखिए इस समय लगभग 5:30 के आसपास टाइम है, 5:20 के आसपास टाइम है। और यहाँ पहुँच के अब मुझे ये देखना है कि मुझे आगे कहाँ जाना है और किस जगह पर मुझे रुकना है। ये ट्रेन है, ये बुलेट ट्रेन है यहाँ की, और ये देखिए कितनी मतलब ज़बरदस्त ट्रेन है ये। और ये सीटी बजी अभी देखिए, तो अभी ये निकलने की तैयारी में है। तो कमाल का एक्सपीरियंस था ये, बहुत मज़ा आया। ये देखिए ऑलमोस्ट इंडिया की जैसी ही जगह है, जैसे ये जो शहर है, ये छोटा सा शहर है स्वीडन के पास ही। स्वीडन से लगभग जो है होगा ये 200 किलोमीटर के आसपास। तो मुझे बहुत मज़ा आया इसमें सफ़र करके। ये देखिए ये स्वीडन की बस है, और ये गाड़ी चलने के लिए तैयार है, ये चल पड़ी है गाड़ी। देखिए ये कितनी एकदम से तेज़ हो जाएगी, देखिए एकदम से स्पीड पकड़ देती है गाड़ी। ये देखिए बुलेट ट्रेन है यहाँ की, सोच लीजिए इस बुलेट ट्रेन के अंदर किस तरीके का कैसा सफ़र रहा होगा, और कितनी जल्दी से इसने मुझे पहुँचा दिया। कमाल का एक्सपीरियंस है ये, रियली वेरी गुड। चलो देखते हैं आगे क्या होता है स्वीडन में। ये मेरा पहला दिन है, तो आगे क्या होगा देख लेते हैं।